मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और आज बात करेंगे दिल्ली के वायलेंस के बारे में और हमारा साथ देंगे जाकिर साहब। जाकिर साहब ये बताइए, आपने 3-4 दिन पूरा वायलेंस देखा है जी। कि ये कैसे शुरू हुआ? लेट्स गो टू अ लिटिल हिस्ट्री। ये शुरू हुआ था एक प्रोटेस्ट से, कुछ 500 से 600 के करीब लोग थे जो CAA और NRC के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इन्होंने जाफराबाद, जो एक सीलमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी दिल्ली के अंदर आता है, यहाँ पे उन्होंने सैटरडे के दिन प्रोटेस्ट शुरू किया था अगेंस्ट CAA और NRC के खिलाफ। और उन्होंने एक रोड, जो रोड नंबर 66 है, जो सीलमपुर के माउचपुर और एक दूसरे इलाकों को कनेक्ट करता है, इसको उन्होंने बंद कर दिया। वहां पे प्रोटेस्ट शुरू किया था। तो जैसे जैसे प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई हुआ, वहां की जो मेट्रो स्टेशन है, दिल्ली मेट्रो अथॉरिटी है, वहां के सारे मेट्रो स्टेशन को उन्होंने बंद करवा दिया। ये हुआ सैटरडे। तो नेक्स्ट दिन संडे, कपिल मिश्रा जो है बीजेपी के जो नेता है, पहले आम आदमी पार्टी में थे, फिर मिनिस्टर भी बने, वहां जो भड़काऊ भाषण बहुत देते, भड़काऊ भाषण दे, वहां से उनको निकालने के बाद जो बीजेपी में जम के भड़काऊ भाषण देना शुरू किए, इन्होंने वहां पे अपने लोगों के साथ गए जाफराबाद के पास और इन्होंने वहां पे भी एक भड़काऊ भाषण दिया और पुलिस को एक वार्निंग दी कि अगर 3 दिन के अंदर इन लोगों को, मतलब प्रोटेस्टर्स को हटाया नहीं दिया गया तो वी विल टेक द सिचुएशन इन आवर हैंड, उसके बाद क्या होगा यू शुडंट आस्क अस। मतलब पुलिस को वार्न कर रहे थे, पूरे देश को वार्न कर रहे थे कि अगर प्रोटेस्टर्स को हटाया नहीं गया तो हम लॉ को अपने हाथ में लेंगे। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं, मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं, उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। उसी दिन वहां पे ये वायलेंस जो है, जो हम 3 दिन से देख रहे थे, इनके भड़काऊ भाषण के बाद हुआ था। लोग घरों के अंदर घुसे, आपने फोटो बहुत सारे ना फोटोज देखा है, लोगों के घरों जला दिया था। कपिल मिश्रा साहब इतना बड़ा भड़काऊ भाषण दे देते हैं, ना ही होम मिनिस्टर उसके ऊपर कुछ कहते हैं, ना हमारे PM कहते हैं, और हमेशा आके बोलते हैं सबका साथ और सबका विकास। ठीक है, ये वाक्या हुआ संडे के दिन। ठीक है ना, दिस वी नीड टू ऑल्सो कीप इन माइंड कि ये वाक्या हो रहा था जहां जब डोनाल्ड ट्रंप, जो US के प्रेसिडेंट है, ये यहाँ इंडिया पे टूर पे आए थे। सो ही केम ऑन टूर, फर्स्ट ही केम टू अहमदाबाद और नेक्स्ट दिन आए दिल्ली। जब एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेता इंडिया को आ रहा है एंड ही इज ऑन अ टूर, ये पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ जब व्हेन द डिग्निटरी हैज कम टू ऑन अ विजिट, ऐसा वायलेंस हुआ था। और वायलेंस कराने के लोग उन्हीं के लोग हैं जो कि रूलिंग गवर्नमेंट के लोग, ये समझने की बात। एग्जैक्टली, अगर ये बोलते कि ये चलो भड़काऊ भाषण कोई ऑपोजिशन का बंदा दिया है तो बात समझ में आती जी। तो मतलब कि ये समझ में नहीं आता है कि जानबूझ के किया हुआ है, ये तो एक बेकूफी के सिवाय, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया आप देखिए इसको पूरी तरह से उछाल रही है। एग्जैक्टली, तो नाम किसका खराब हुआ। सही। अच्छा, आप ये देखिए कि मंडे के दिन जो कि 24 फरवरी के, उस दिन क्या हुआ आपके हिसाब से? फिर मंडे के दिन, मंडे के दिन जैसे फुटेजेस हमने देखा है, जो जाफराबाद जो है, वी नीड टू मेक दिस क्लियर, जाफराबाद एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और जो मौजपुर है यहाँ पे मेजोरिटी कम्युनिटी डोमिनेटेड होता है और दोनों सीलमपुर के कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आता है। तो क्योंकि यू नो प्रोटेस्ट जाफराबाद और सीलमपुर, आई मीन ये मौजपुर के बीच में हुआ था एंड दीज गाइज वर अगेंस्ट इट, ये जो प्रो CAA और NRC के जो प्रोटेस्टर्स थे, जो मॉब थी, इन्होंने यू नो वायलेंस शुरू किया था, पत्थर फेंके गए थे लोगों पे और घरों के अंदर घुस के मारा गया था और बहुत सारे घर भी जलाए गए थे। द वायलेंस कंटिन्यूड द एंटायर नाइट, आई मीन संडे नाइट से शुरू हुआ था ये, सो वायलेंस कंटिन्यूड द एंटायर डे और इसमें पांच लोग के लोग मरे। हाँ, तो इसमें मैं ऐड करता हूँ कि इसी सोमवार के दिन हमारे जो हेड कांस्टेबल है उनकी मौत हो गई थी और उनका नाम था रतनलाल, और उसी दिन 5 सिविलियन की मौत हुई गोली लगने के वजह से। तो मतलब कि खुलेआम गोली भी चल रही थी। अब ये साबित नहीं हुआ है कि ये गोली पुलिस की थी और या किसी और की। मंडे के दिन ये भी फुटेज देखा गया कि बहुत सारे लोग लोकल नहीं थे, बाहर से आए थे,
और एक वीडियो में एक लड़का आके बोलता भी है कि हमको बाहर से बुलाया गया था लेकिन हमको जब पसंद नहीं आया तो मैं यहाँ से भाग के चला। मींस इट्स अ प्री प्लान अटैक, तैयारी की गई थी और ये जानते थे, ये जो भड़काव भाषण दे रहे थे और वायलेंस को इंसाइट कर रहे थे, ये जानते थे कि कहाँ से लोगों को बुलाना चाहिए और कहाँ पे किसको अटैक करना चाहिए। तो ये पूरा एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कंस्पिरेसी है लोगों को ये सीए के प्रोटेस्ट को हटाने। मेरा नाम हरे कृष्णा दास है। तो हमें एक कमल बागड़ी नाम का जो शख्स है पहाड़गंज का, जो हमें लेकर आया गया, और जब मुझे यहाँ पर आके पता चला कि यहाँ पर माहौल भड़काने दंगा कराने हेतु और पत्थर वत्थर की षड्यंत्र को लाकर यहाँ पर बुलाया गया है, तब मैं वहां से निकला। लेकिन मेरे को किसी ने एक हाथ भी नहीं लगाया और मुझे भीड़ से बाहर लेकर यहाँ बैठा कर बात कर रहे हैं। कितने लोग आए तुम लोग? हम लोग थे 5 लोग थे गाड़ी चलाने वाले। क्या, क्या, क्या क्या नाम था भाई? एक का नाम राहुल था, एक का नाम योगेश था। राहुल, योगेश, अमन और कमल बागड़ी और मैं। सीलमपुर के प्रोटेस्ट का बदनाम किया जा रहा है यहाँ पर पत्थरबाजी। साथ में क्या क्या था उनके? साथ में क्या क्या था उनके भाई? उनके हाथ में पत्थर थे, उनके हाथ में भाई, जब मेरे हाथ में नहीं था, मुझे मालूम पड़ा तो मैं भीड़ से ही साइड हो गया था। उसी मंडे के दिन जो था कि ये देखिए जाफराबाद में, मौजपुर में और यहाँ पे आपको पेट्रोल के बम को भी इस्तेमाल किया गया और उसी दिन दुकानों में आग लगाया गया और गाड़ियों को जलाया गया। ये मंडे का पूरा हंगामा चलता रहा। फिर ये जो हिंसा थी वो मंगलवार मतलब कि ट्यूसडे के दिन जारी रहा, उसके बारे में कुछ ट्यूसडे को क्या हुआ आप कुछ बताएंगे? ट्यूजडे को अगेन वायलेंस कंटिन्यू हुआ और जब तक दिन गुजरता गया 13 से ज्यादा लोग की मौत होने की ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आया, लेकिन बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि उससे कहीं ज्यादा लोग मरे होंगे। नहीं, और कुछ लोगों का अपना कहना है, लोकल लोगों का, जो आपने कहा ऑफिशियली कंफर्म 13 ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये संख्या 50 से ऊपर है। जी, और उस दिन 200 लोगों की घायल होने की बात है जिसमें 48 जो है पुलिस वाले थे। और जब आप पुलिस वालों की बात करते हैं, बहुत सारों ने फुटेज भी देखा है कि ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पर पुलिस और ये जो प्रो सीएए के प्रोटेस्टर्स हैं ये साथ में लोगों को मिलकर मार रहे थे, और ऐसे भी फुटेजेस देखे हैं जहां पर ये लोग मार रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, लोगों के घर के अंदर घुस रहे थे और पुलिस वहां पे खड़े के देख रही थी। दे डिड नॉट टेक एनी एक्शन। ये जो आपने बात कही इसका एक दो फुटेज है हमारे पास, हम अपने डेफिनेटली व्यूअर्स को दिखाएंगे, जिसमें एक फुटेज में 4-5 मरे से बच अधमरे हम बोल सकते हैं लोग हैं और वहां डंटों से मारा जा रहा है, लाश से मारा जा रहा है, फोर्सफुली वंदे मातरम मंदिर में कहा जा रहा है। आप सिचुएशन देखिए, अच्छी तरह हिंदुस्तान में ही रहा तू, आजादी हिंदुस्तान, आजादी आजादी। और कहीं पे एक पुलिस वाले खड़े होके पत्थर को कलेक्ट करवा रहा है और एक फुटेज में आपको अभी दिखाई देगा कि दुकान का शटर बंद है, वहाँ 4-5 बच्चे खड़े होके खोल रहे हैं और लोग जो भी हैं वो खड़े होके खोल रहे हैं, और वहाँ तकरीबन आप 50 से 100 पुलिस वाले, मतलब कि दंगाइयों का नंबर कम है और पुलिस वालों का नंबर ज्यादा है, उसके बावजूद भी पुलिस उनको नहीं रोकती है सिर्फ इसलिए कि ये मुस्लिम का इलाका है। आप ये सोच सकते हैं जाकिर भाई कि किस तरह का जहर इन पुलिस वालों के अंदर भी डाल दिया गया है कि जब हंगामा मुसलमानों के ऊपर हो रहा है तो तुम शांत बैठो। अगर ऐसी 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 स्थिति बना दी जाएगी तो मेरे को नहीं लगता है देश में क्या तरक्की होगा। देखिए फरहान भाई, वी ऑलवेज से दैट इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है सबसे दुनिया की, और डेमोक्रेसी जब हम कहते हैं इसका एक फंडामेंटल फीचर होता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस हो या आर्मी, इनको अनबायस्ड होना चाहिए। इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, इनकी जो ड्यूटी है दे हैव टू डू इट अकॉर्डिंग टू व्हाट देयर, उनकी जो ड्यूटी है दे हैव टू डू अनबायस्ड। लेकिन यहाँ पे हमें देखने मिलता है कि दे वे बायस्ड। जितने भी फुटेजेस हमने देखे हैं यहाँ पे पुलिस ने एक साइड का
दे हैड टेकन साइड ऑफ वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक तरह के पक्ष की कम्युनिटी के ऊपर पत्थर ही मार रहे थे, उनके लोगों को भी मार रहे थे. सो यहाँ पे जो यू नो यू स्टार्ट लूजिंग होप इन डेमोक्रेसी, यू स्टार्ट लूजिंग होप पुलिस के ऊपर, होप जो था कि हमें बचाना है, अगर कुछ दंगे होते हैं तो आर होप एज ह्यूमन एज सिटीजंस इज ऑन द सिक्योरिटी फोर्सेज. लेकिन अगर सिक्योरिटी फोर्सेज खुद दंगों के दंगाइयों के साथ मिलकर हमें मार रहे हैं, सो हु डू वी हैव होप विद, वी डोंट हैव ट्रस्ट. किसी पे क्या होता है, किसी एक घर का बंदा या किसी का पुलिस वाले मारता है मर जाता है, कोई समुदाय का लोग बच जाता है, तो पुलिस के खिलाफ उसके दिलों में नफरत आ जाती है, जो कि किसी भी देश के लिए एक नागरिक पुलिस वाले से नफरत करना शुरू कर दे सही नहीं है. इसीलिए शायद इसको कवर अप करने के लिए या पुलिस के पक्ष में बात करने के लिए आपने देखा होगा अजीत साहब जो है उन्होंने एक टिप्पणी की है कि नहीं पुलिस वाले अपना काम करेंगे और जनता को पुलिस के ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा. तो ये वही अजीत डोवाल है जो कश्मीर में 3 महीने से जब बंद करवा दिया था फोर्सफुली और वहाँ की पूरे कम्युनिकेशन को ब्लॉकेट करवा दिया था, इसी अजीत डोवाल ने वहाँ पे गए थे, बिरयानी खाए थे, एक 4-5 लोगों को बिठा के बिरयानी खाया था और दुनिया को बताने की कोशिश करवाई थी कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है. हाँ, तो अभी तक नहीं हुआ है. ही इज यूजिंग द सेम टैक्टिक यहाँ पे, लोग मर रहे हैं और वहाँ पे मोदी और ट्रम्प दे वर शोइंग द वर्ल्ड कि सब कुछ पीसफुल है. टेलीग्राफ करके कोलकाता के एक न्यूज़पेपर है, आज का उनका हेडलाइंस था कि नीरो इज डाइंग व्हाइल डेली इज बर्निंग. नीरो एक किंग था इटली रोम का, जो एंशिएंट टाइम्स का रोम का, जो जो अय्याशी कर रहा था, जो खा रहा था, मजे कर रहा था जब रोम वॉज बर्निंग. तो टेलीग्राफ पेपर ने ये लिखा है जब दिल्ली बर्न हो रही है द नीरोज वर डाइंग, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. और ये जो अजीत डोवाल जो जा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि पुलिस पे भरोसा रखिए, रखना चाहिए, लेकिन पुलिस को भी दे हैव टू बी अनबायस, दे हैव टू दे आर नॉट सपोज टू टेक साइड्स ऑफ एनीवन. अगर वो अनबायस रहेंगे तभी तो भरोसा होगा. दिस इज ऑल अ कवर अप. मैं इसी चीज पे आपको एक रोशनी डालूं कि जब मैं नेशनल ज्योग्राफी में काम कर रहा था तो मेरे पास एक सीडी आया था जिसके अंदर इन्होंने फुटेज बनाया था मुस्लिम के बारे में और उसको दिखाना था यूएस के मिलिट्री को जो लोग फाइट करने जा रही थी सीरिया में और मिडिल ईस्ट में. तो उसके पहले ब्रेन वॉश करने के लिए पिक्चर बनाया गया था. तो मैंने उसको रिजेक्ट किया था और कहा था कि इसको आप इंडिया में नहीं चला सकते. उसके फुटेज ऐसा था, देखिए ऐसे ही लोग, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसी तरह पुलिस वालों को ब्रेन वॉश किया जाता है और उनको शायद भड़काया जाता है. जब दूसरे कंट्री में ऐसा किया जा सकता है, हो सकता है कि हमारे देश में भी ऐसे कुछ संस्थाएँ होंगे जो लोगों को भड़काते होंगे. तो शायद डेफिनेटली हर पुलिस वाले तो नहीं भड़कते होंगे, लेकिन जो लोग वैसी सोच रखते होंगे वो ऐसा कर सकते हैं. सबसे बड़ी संस्था जो भड़का रही है, एक तो मीडिया है और एक जो ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको चाहिए कि एडमिनिस्टर करें, ये खुद भड़का रहे हैं. कपिल मिश्रा डेफिनेटली. तो उस सीडी में ये दिखाया गया था कि एक बंदा है, स्टार्टिंग से बताता हूँ कि बंदा निकलता है घर से और उसके ये पे ग्रीन कलर का पट्टा है सर पे और उसके हाथ में AK-47 है और ऐसे गोली चलाता है और फिर मूवी की कास्टिंग शुरू होती है जिहाद. तो लाइक दैट दे वांटेड टू प्रेजेंट कि मुसलमान सिर्फ यही है तो आप इनको रोकना है. तब इस चीज को दिखा के और मोटिवेट किया गया आर्मी के US को और कहा गया अब तुम जाओ लड़ाई के लिए. तो शायद ऐसी कुछ संस्थाएं हमारे देश में भी हैं जो कि किसी एक समुदाय को भड़काने की काम करती हैं और उस चीज के अंदर हमारी कुछ लोग भड़क जाते हैं. खैर ये बात होती रही. अब आज वेनसडे और आज का जो सिचुएशन है, मेरे हिसाब से अभी कर्फ्यू लगा दिया गया है. क्या बोलते हैं आप? कर्फ्यू लगाया गया है जी और बहुत सारे मीटिंग्स भी हुए हैं. अमित शाह ने 3 दिन से लगातार मीटिंग करवा रहे हैं, लेकिन सब कुछ लूटने के बाद 24 घंटे में 3 मीटिंग किए. अब उसका रिजल्ट क्या आएगा वही बता सकते. और अरविंद केजरीवाल, इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी टॉक अबाउट वहाँ की जो गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट है. हु द मुस्लिम्स हैड ट्रस्टेड, लेट्स नॉट शाय अवे कि मुसलमानों ने दिल खोल के आम आदमी पार्टी को वोट किया और उनको जितवा. नो डाउट, आई थिंक 100% इस बार दिल्ली में अगर मुसलमानों ने वोट दिया है तो वो अरविंद केजरीवाल को दिया है. और अरविंद केजरीवाल इस टॉपिक पे खुल के नहीं बोल रहे हैं, या तो फिर वही बी टीम का ही बात आ जाती है उसको देख लीजिए, नहीं तो फिर बीजेपी गवर्नमेंट से डरते हैं जी.
he has the Aam Aadmi Party in Delhi has failed the people, not just Muslims. Because except Musliman is on the other side, he's at the receiving end. Lekin this affects the entire country. This affects the entire city of Delhi. And Arvind Kejriwal and his party has failed the people. जहाँ पे उनको चाहिए था कि कुछ एक्शन ले, वो बैठे थे राजघाट पे और मेडिटेशन कर रहे थे. दिस इज नॉट द टाइम फॉर मेडिटेशन, दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन. आप राजघाट में बैठ के गांधी जी को याद कर रहे हैं, दैट विल नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम. राइट, करेक्ट, ये सही. तो इसी भी बीच में अब ऐसा नुकसान तो होता है बच्चों की पढ़ाई. अब आज 10th बोर्ड का एग्जाम है, 12th का एग्जाम है, उस एरिया के क्षेत्र में जो है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है. और उन्होंने कहा था कि कहा भी है कि वी नीड टू कॉल दी आर्मी, क्योंकि पुलिस से ये संभाला नहीं जा रहा है. सो इट इज आउट ऑफ कंट्रोल एंड ही इज आस्किंग द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड, सेंड द आर्मी टू टेक कंट्रोल. क्या एज ए चीफ मिनिस्टर जिस एरिया में हंगामा हुआ, पुलिस के साथ जाके देख सकते थे, लेकिन एक विजिट नहीं हुआ, एक विजिट भी नहीं हुआ. और वहाँ के जो सीलमपुर जहाँ पर भी दंगे हुए हैं, वायलेंस हुआ है, ये भी आम आदमी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है. यहाँ पे अब्दुल रहमान जो एमएलए हैं, तो क्या उनको रोक दिया गया है कि आप मत जाइए बात करने के लिए? ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कपिल मिश्रा तो कपिल मिश्रा जब सरयाम घूम रहे हैं, तो क्या आम आदमी के जो एमएलए हैं या चीफ मिनिस्टर, वो दंगाई जहां पे मारपीट हुआ वहां नहीं जा सकते? डेफिनेटली जा सकते. तो जाकिर भाई, ये हाईलाइट था, हम दर्शकों को बताना चाहते थे कि एक्चुअली हुआ क्या. थैंक यू सो मच इसके ऊपर रोशनी डालने के लिए. थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक.